दोस्तों, कंप्यूटर तो सबके घर में होता है, लेकिन अगर कंप्यूटर खराब हो गया तो हम अपने हार्डवेयर वाले को कॉल करते हैं और उसे बुला लेते हैं कि यार भाई क्या हो गया देखो। तो अगर उसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है तो हार्डवेयर वाला लगभग आपसे 500 रुपये चार्ज करता है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलता है कि उसमें डिस्प्ले क्यों नहीं आ रहा है, या फिर आपके कंप्यूटर से बीप साउंड आ रहा है, या फिर आपके कंप्यूटर में कुछ ब्लैक स्क्रीन आ रही है। जैसे मैं यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि आपके स्क्रीन में इस तरह से स्क्रीन आ रही है, ओएस चालू नहीं हो रहा है, यानी कि विंडोज चालू नहीं हो रहा है, या फिर विंडोज क्या स्क्रीन आके बार बार कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है, ऐसी चीज़ें आपने फेस की रहेगी तो आप डायरेक्टली हार्डवेयर वाले को फ़ोन करते हो और फिर उसे बुला के उसे कुछ अमाउंट पे करके आपका कंप्यूटर रिपेयर करके लेते हो। लेकिन दरअसल में वो अगर जेन्यून है तो वो अच्छा काम करके देता है, अगर वो जेन्यून नहीं है तो आपको कुछ भी बोलता है, आपका हार्ड डिस्क गया है, आपका रैम चला गया है, आपका मदरबोर्ड गया है, ये रिप्लेस करना पड़ेगा, वो रिप्लेस करना पड़ेगा, और आपको ढेर सारे खर्चे वो बताकर आपसे काफ़ी अच्छा खासा पैसा निकाल लेता है। लेकिन अगर आप इससे बचना चाहते हो तो आपको थोड़ा बहुत हार्डवेयर का नॉलेज होना चाहिए, एटलीस्ट आप कंप्यूटर असेंबल कर सकते हैं, घर पे ही बैठे बैठे अपने कंप्यूटर को क्लीन कर सकते हैं, कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को निकाल के क्लीन करके वापस लगा सकते हो, अगर आपको बेसिक हार्डवेयर का नॉलेज है। तो बेसिक हार्डवेयर का नॉलेज देने के लिए, मतलब बेसिक तो दूंगा ही दूंगा, साथ में मैं विंडोज इंस्टॉलेशन वगैरह सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो आज के इस पार्ट में हम कंप्यूटर के सारे पार्ट को निकाल के, यानी कि डी अटैच करके, अटैच कैसे करना है, असेंबल कैसे करना है, वो सीखेंगे। मेरे पास जो मेरा घर का कंप्यूटर है वो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा, उसके अंदर के पार्ट को डी अटैच करूंगा, फिर अटैच करके दिखाऊंगा कैसे कौन से पार्ट्स को लगाना है। कोई डरने की बात नहीं, बहुत सिंपल है। नॉर्मली हम अपने घर के इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं वैसे कंप्यूटर का होता है, कंप्यूटर में डीसी पावर इनपुट होता है, इतना यहाँ पे टेंशन की बात नहीं है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, डायरेक्टली कंप्यूटर ओपन करके कंप्यूटर को पार्ट अटैच डी अटैच करके सब दिखाता हूँ। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्टली प्रैक्टिकल कंप्यूटर हार्डवेयर, लेट्स बिगिन। तो यहाँ पे दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये मेरा कंप्यूटर है, मैं इसे खोल के दिखाऊंगा आपको अभी। पहले खोलने से लेकर सब कुछ चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपको जब कंप्यूटर खोलना है तो यहाँ पे देखिए इस साइड में मदरबोर्ड है, नीचे के साइड में, तो मदरबोर्ड के ये साइड के स्क्रू नहीं खोलने हैं। बहुत लोग ये साइड के स्क्रू खोलते हैं फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मदरबोर्ड के साइड में जो आता है यहाँ पे ढक्कन, ये ढक्कन के स्क्रू नहीं खोलने, इसके अपोजिट साइड में जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके स्क्रू खोल के ये लॉक आपको ओपन करना है। चलिए मैं यहाँ पे, मैंने एक ही स्क्रू लगाया यहाँ पे, जल्दी मैं खोल पाऊँ इसलिए दो स्क्रू नहीं लगाए, लेकिन दो स्क्रू रहेंगे आपके यहाँ पे और यहाँ पे खोल देना है। सिंपल है, स्क्रू खोलना तो सबको आता होगा भैया दोस्तों। तो यहाँ पे करना क्या है, इसे मैं, चलो इसे पीछे खींच लेता हूँ और ओपन कर लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है इसे ओपन करना, ये तो आप समझ गए होंगे। और अब आपके सामने मेरा कंप्यूटर यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कंप्यूटर आपको। अभी अभी मैं पार्ट्स बता देता हूँ, फिर पार्ट को डी अटैच करता हूँ, सभी पार्ट्स को निकाल देता हूँ और फिर यहाँ पे फिर से अटैच करके दिखाता हूँ। और मैंने ये ग्लव्स पहने हैं, लेकिन आपको ग्लव्स पहनने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ करंट वगैरह है नहीं इसमें, मैंने बस आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल वे से दिखाने के लिए ये ग्लव्स पहने हैं। आप नहीं पहनेंगे, बिना ग्लव्स का भी काम करेंगे तो भी चलेगा, हाँ, लेकिन इसमें जो सीपीयू रहता है मैं आपको बताऊँगा, वहाँ पर सीपीयू को आपको नीचे से टच नहीं करना है, कहाँ पर नहीं करना है टच, डायरेक्टली आपके हाथ से, तो वो आपको मैं आगे बताऊँगा। फिलहाल तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये टोटल कंप्यूटर आपके सामने है। यहाँ पे हार्ड डिस्क है, जो कि मैंने पार्ट वन में बताया, सीरीज़ का जो पार्ट वन मैंने अपलोड किया चैनल के ऊपर, जाकर देख सकते हैं आप, उसमें बताया ये हार्ड डिस्क है, ये मदरबोर्ड है, एसएमपीएस है, और ये डीवीडी यहाँ पे राइटर है। अब मैं आपको यहाँ पे एक एक पार्ट से यहाँ पे डी अटैच करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे हार्ड डिस्क निकाल लेता हूँ, यहाँ पे हार्ड डिस्क बहुत आसानी निकालना, इसके लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है हार्ड डिस्क का, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको हार्ड डिस्क, और मैं इसके ये जो लॉक है ये दिख रहा है साटा, इसे डेटा केबल बोलते हैं, इसे मैंने प्रेस करके खींचा पीछे, ये प्रेस करके खींचना है दोस्तों, ये वाला, ये प्रेस करके नीचे खींचना है तो ये निकल जाएगा, नहीं तो आप ऐसे खींचने जाओगे तो नहीं। अब देखो इसको मैं दोबारा बिठा देता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ऐसे प्रेस करके निकालना है। उसके बाद यहाँ पे ये साटा, इसे तो कुछ प्रेस नहीं करना है, ये साटा पावर है जो एसएमपीएस से मिला है हार्ड डिस्क को, यहाँ पे 12 वोल्ट पावर है, ये येलो वाला 12 वोल्ट रहता है, ये रेड वाला जो है ये लगभग 5.5 वोल्ट का रहता है, लेकिन ये रेड कलर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रेड रहता है जनरली, रेड रहता है सभी एसएमपीएस में, इस एसएमपीएस में ज़रा रेड नहीं है, अलग कुछ यहाँ पे आपको मजेंटा टाइप दिख रहा है। ठीक है, इसे मैंने निकाल दिया। अभी हार्ड डिस्क के स्क्रू है जो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, खोल देता हूँ, इस वीडियो को थोड़ा सा मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब ये मैंने हार्ड डिस्क यहाँ पे निकाल लिया, दिखाई दे रहा है आपको, जैसे कि मैंने पार्ट वन में बताया था कि ये अलग अलग हार्ड डिस्क रहता है, यहाँ पे अलग अलग कैपेसिटी का हार्ड डिस्क है, ये मेरा ब्लू वाला हार्ड डिस्क है, WD वेस्टर्न डिजिटल का है, WD, पहले जो कंप्यूटर में मैंने दिखाया था वो मेरे पास सीगेट के हार्ड डिस्क थे दो, यहाँ पे 500 GB का ये हार्ड डिस्क है, ये साटा हार्ड डिस्क है, साटा और
अभी देखेंगे तो लेटेस्ट में SSD, ऐसे दो टाइप आते हैं हार्ड डिस्क के, और उसका डिफरेंस मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है उसके ऊपर, साटा हार्ड डिस्क और SSD हार्ड डिस्क में कौन सा बेहतर है, अगर आप जानना चाहते हो तो उसके लिए वीडियो चैनल पे है, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपके लिए दूंगा। ये हार्ड डिस्क जो है यहाँ पे, इसका कैपेसिटी तो मैंने आपको बता दिया, अब इसकी वारंटी चेक करनी तो यहाँ पे पार्ट नंबर वगैरह रहता है, आप गूगल पे चेक करना है वेस्टर्न डिजिटल, और उसके ऊपर जाकर ये पार्ट नंबर वगैरह डाल के इसकी वारंटी आप चेक कर सकते हैं। फिलहाल ये हार्ड डिस्क मैं साइड में रख देता हूँ और आगे मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पे DVD राइटर है। सो DVD राइटर के भी कनेक्शन सेम निकालने आपको, इसको भी वैसे ही लॉक है, प्रेस करके मैंने निकाल लिया, इसको भी साटा वाला डेटा पावर है, मतलब पावर केबल है, साटा डेटा और साटा पावर ये दोनों भी निकाल दिए। अब यहाँ पे ये DVD राइटर को खोलने की ज़रूरत नहीं, वैसे भी यहाँ पे हम इसे रहने देते हैं ऐसे ही, क्योंकि ये DVD राइटर में वैसे भी कुछ नहीं रहता है, आपको मैं बस केबल निकाल के दिखा रहा हूँ और केबल कैसे लगाना है वो आपको बता देता हूँ। वैसे ये स्क्रू खोलेंगे तो उसे भी हार्ड डिस्क की तरह आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है देखने के लिए, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन देखना है या जिसको ज़्यादा जानना है वो है हमारा मदरबोर्ड। जितने भी स्क्रू निकालोगे आप एक साइड में रखा करो दोस्तों, क्योंकि बाद में हमें फिर से इसे अटैच करना है, नहीं तो स्क्रू गिर जाएंगे तो फिर आपको फिर वो डिवाइसेस अटैच करने नहीं मिलेंगे, ज़्यादातर स्क्रू गुम हो जाते हैं। जब मैं हार्डवेयर मेरे स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो वो लोग स्क्रू गुम कर देते रहते हैं, तो मैं उनको पहले बता देता हूँ कि भाई स्क्रू निकाल रहे तो उसको साइड में रखा करो, ताकि कहाँ से कौन से स्क्रू निकाले उसको वापस लगाने तो है ना हमें, तो इसीलिए आप उसे साइड में रखा करो। यहाँ पर है SMPS, यहाँ पर हमारा मदरबोर्ड है, और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे मदरबोर्ड के सभी कनेक्शन डी अटैच करो और आपको फिर से अटैच करके दिखाऊँ। इस वीडियो में बने रहिएगा एंड तक, आपको मदरबोर्ड या फिर SMPS की सारी बातें यहाँ पे पता चलने वाली हैं। तो करूँगा क्या अभी, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी ये जो मदरबोर्ड है इसके जो साटा केबल कनेक्टेड है वो मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पे। तो वो मैंने कैसे निकाला दिखा तो आपको, मैं यहाँ पे दिखाई दे रहा है दोनों साटा जो अभी मैंने लगाए थे हार्ड डिस्क और DVD राइटर के लिए, दोनों साटा मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा, उसके भी लॉक वैसे ही है, प्रेस करूँगा यहाँ पे लॉक है, प्रेस करूँगा और ऊपर खींचूँगा तो ये निकल जाएंगे। और ये साटा केबल आप कौन सी भी किस पे भी लगाया तो भी चलेगा, मतलब ये हार्ड डिस्क की है या ये DVD राइटर की है ऐसा कुछ नहीं देखना है, ये आप DVD राइटर के लिए लगा सकते हैं या हार्ड डिस्क के लिए भी लगा सकते हैं, ये दोनों सिमिलर रहती है केबल। और इसका ये कनेक्शन इधर लगाया, ये कनेक्शन उधर लगाया तो भी चलेगा, क्योंकि दोनों साइड पर सिमिलर कनेक्शन रहता है, बस ये अलग अलग तरीके के लॉक है। अगर आपको हार्ड डिस्क के लिए ऐसा लगाना है तो ये ना इस तरह से आप लगा सकते हो, या ये मदरबोर्ड पर भी फिट होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रहे कि मदरबोर्ड के ऊपर यहाँ पे आपके पास साटा कनेक्शन मल्टीपल अवेलेबल है, तो ज़्यादा हार्ड डिस्क भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास 1, 2, 3, 4 ये चार साटा पोर्ट है, यहाँ पे चार साटा केबल मैं ऐसे लगा सकता हूँ और चार हार्ड डिस्क भी मैं कनेक्ट कर सकता हूँ। ये सिंपल है, याद रखना है, बहुत सिंपल है ये साटा केबल कनेक्ट करना। चलिए साटा केबल को साइड में रख देते हैं, इसको भी निकाल देते हैं, ये यहाँ पे पैक किया हुआ है, इसे हम खोल देते हैं फिलहाल। चलिए ये केबल भी मैंने यहाँ पे साइड में रख दिया दोस्तों। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नेक्स्ट जो मुझे निकालना है वो है ये SMPS का बड़ा पावर, ये जो ज़्यादा वायरिंग जो दिख रहा है ना ये SMPS से आए हुए पावर से जो मदरबोर्ड को यहाँ पे दिए जा रहे हैं, DC पावर इसे बोलते हैं हम लोग, इसे ATX पावर कनेक्टर, ये कनेक्टर है हमारा, और ये 12 वोल्ट पावर कनेक्टर, यहाँ पे दो कनेक्टर है। तो मैं क्या करता हूँ इस ATX पावर कनेक्टर को निकालता हूँ, मैं अभी इसे निकालने के बाद ही आपको दिखाता हूँ कि इसके मैंने निकाला कैसे, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा मैंने क्या किया इसको निकालने के लिए। यहाँ पे ये जो लॉक है ना ये मैंने प्रेस कर दिया, प्रेस करने के बाद ये ओपन हो जाता है, ये थ्रेड ऐसा ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद ये अनलॉक हो जाता है और डायरेक्टली आपको ऊपर खींचना है, बिठाते समय आपको बस यहाँ पे रख देना है इसके ऊपर और ऐसा प्रेस कर देना है तो ये बैठ जाएगा। निकालने के लिए बस आपको ऐसा ये पकड़ के ये प्रेस करके खींचना है। ये है ATX पावर कनेक्टर, लगभग इसमें 24 पिंस आपको मिलेगी, और इसमें एक बात याद रखना है, ये ज़रा बता देता हूँ मैं, ये ऐसा निकल भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ हर एक SMPS को ऐसा कस्टमाइजेशन किया रहता है, क्योंकि पुराने मदरबोर्ड में ये 20 पिंस है, टोटल 20 पिंस का ही पावर लगता था, लेकिन अभी जो नए मदरबोर्ड है जितने भी मदरबोर्ड है उनको 24 पिन का पावर चाहिए रहता है, तो ये जो है इस तरह से इसे है ना यहाँ पे खाचे में डाल दिया जाता है और ये 24 पिन का इस मदरबोर्ड को लग रहा है। लेकिन अगर आपके पास ये SMPS आप पुराने मदरबोर्ड को यूज़ कर रहे हो तो ये 24 पिन का तो यूज़ ही नहीं है, तो इसे हटा दो और इतना ही लगा दो, इसके लिए तो ये बना है दोस्तों। तो ये सिंपल है, अगर ये निकल गया तो कोई डरने की बात नहीं, बहुत सारे लोग बोलते अरे ये कैसे निकल गया फिर इसे कैसे लगाया, तो यहाँ पर इस खाचे में ऐसा लगा दो बस काम कदम, और फिर आप इसे लगा सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। कैसे लगाना है कैसे निकालना है मैंने बता दिया, ये है ATX पावर कनेक्टर, इसे रख देते हैं साइड में, और ये 12 होल्ट पावर कनेक्टर भी निकाल देते हैं, इसे भी मैंने प्रेस किया ये और निकाल लिया। यहाँ पे ज़रा मदरबोर्ड पे ध्यान दीजिए, मैं दिखाता हूँ, ये है आपका 24 पिन ATX पावर कनेक्टर, उसी के बाजू में ये 12 होल्ट पावर कनेक्टर है। मेरे मदरबोर्ड में मेरे केस में ऐसा है, लेकिन आपके मदरबोर्ड में ऐसा हो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि सबके मदरबोर्ड में यहाँ पर अलग अलग
कनेक्शन अवेलेबल रहते हैं। ये जो 12 वोल्ट पावर कनेक्टर है वो कभी इधर रह सकता है फैन के इस साइड में, या फिर ये ATX पावर कनेक्टर रैम के इस साइड में रह सकता है, ये मदरबोर्ड के इस साइड में भी रहता है। मैंने जो आपको एक मदरबोर्ड का वीडियो बताया था, मेरे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के, उसमें मैंने बताया था कि ATX पावर कनेक्टर कहाँ पे रहता है, रैम कहाँ पे है, कैसे है, सारी चीज़ें उसमें बताई, मदरबोर्ड की पूरी इन्फॉर्मेशन एक बार मैंने बताई है, वो ज़रा देख लेना आप। फिलहाल तो हम असेंबलिंग सीख रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे लगभग सारे पार्ट निकाले, बस कुछ और बाकी है जो कि फ़ैन का कनेक्टर बाकी है, इसे बस खींचना है ऐसे, ये इसने फ़ैन के निडल से इसे खींचना है, निकाल लेना है। ये यहाँ पे ही है, लेकिन कुछ केसेस में वो यहाँ पे रहता है इस साइड में, रैम के इस साइड में रहता है, और यहाँ पे रैम है, रैम को तो हम बाद में निकालेंगे। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, इसे निकालते समय ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप इसे दोबारा लगाओगे तो ये वैसे ऑर्डर में लगना चाहिए, क्योंकि बाकी सब कनेक्टर्स उल्टे नहीं लग सकते। ये देखिए, ये जो कनेक्टर है ये लॉक, मैं अगर उल्टे लगाने जाऊँगा ना इधर, तो उल्टा नहीं लग सकता, ये लगेगा ही नहीं, क्योंकि वैसे डिज़ाइन किया गया है। और ये ऐसा ही यहाँ पर इंसर्ट होगा इस तरह से, जिस तरह लॉक है। लेकिन क्या होता है कि मैं आपको बताऊँ सिंपली, कि यहाँ पे ये जो कनेक्टर्स है इसको फ्रंट पैनल कनेक्टर बोलते हैं, और फ्रंट पैनल कनेक्टर को आप एक बार निकाले तो ये उल्टे भी लग सकते हैं, लेकिन आपको उल्टे नहीं लगाने, जैसे है वैसे लगाने हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे लगाने, एकदम डिटेल में बताऊंगा। निकाल रहे हैं हम लोग पहला कनेक्टर इसमें से, जो कि ग्रीन और ब्लैक वायर का दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इसे निकाल के आपको इसका नाम दिखा रहा हूँ, इसका नाम है पावर SW, यानी कि हमारे आगे जो बटन, मतलब यानी कि हमारे CPU के आगे फ्रंट पैनल में जो बटन रहता है पावर बटन, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ पे CPU में जो पावर बटन दिखाई दे रहा है आपको, ये पावर बटन का ये पावर SW पिन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है अभी, ये पावर SW पिन पावर बटन का, यानी कि ये पिन पावर SW यानी पावर स्विच, पावर बटन भी नाम रहता है कभी कभी, पावर SW भी रहता है। इस पिन को लगाने की वजह से हमारा कंप्यूटर यहाँ पे इस बटन से चालू हो रहा है, जो आगे बटन दिया है फ्रंट पैनल में उस बटन से चालू हो रहा है। तो पावर SW सिंपल है, याद रखो इसे पावर SW के बारे में। पावर SW के बाद मैंने कहाँ से निकाली ये पिन, आपको मैं अब एकदम जूम करके यहाँ पे बता देता हूँ, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने ये पहले दो पिन में से निकाली है। मैं स्क्रू ड्राइवर के साथ दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये दो पिन मैंने निकाल ली है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी दो पिन है जो मैंने अभी निकाली पावर SW की। ये पावर SW की पिन यहाँ से मैंने निकाली, पहले दो पिन है। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा, स्क्रीन के ऊपर मैं आपको अलग से दिखाऊंगा कि ये पावर SW कहाँ पे लगता है, क्या लगता है, उसकी एक इमेज मैं आपको गूगल से निकाल के यहाँ पे दिखा दूंगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये समझना है कि ये पावर SW है और पावर SW कैसे निकालना है। दूसरा, मैं दो पिन निकाल रहा हूँ यहाँ पे, दोनों पिन मैंने निकाली और एक दो पिन एक्स्ट्रा भी निकल गई मेरे से, तो मैं वो भी बताऊँगा क्या है। लेकिन ये दोनों पिन पहले जो दिख रहा है ये देखते हैं, ये रेड और वाइट जो निकाला मैंने, HDD LED है, दोनों का नाम देख सकते हैं आप, HDD LED, हार्ड डिस्क LED नाम है इसका, HDD LED। मैं सीधा करके दिखाता हूँ कैमरे में, ज़रा सीधा करके मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, पावर LED, राइट। तो दूसरी जो दो पिन मैंने निकाली है उसका नाम है यहाँ पे पावर LED, दोस्तों पावर LED, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है पावर LED प्लस माइनस, राइट। पावर LED कैसे निकाला मैंने यहाँ पे आपको दिखाया। उसके बाद और दो पिन यहाँ पे निकल गई पहले से, इसका नाम है रिसेट SW, रिसेट स्विच, रिसेट SW, ये रिसेट बटन के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा रिस्टार्ट करते हैं ना हमारे कंप्यूटर, तो रिस्टार्ट बटन जो फ्रंट पैनल में आगे की तरफ, उसके लिए ये रिसेट SW है। और लास्ट पिन जो है वो है HDD LED, जो मैं मुझे ऑलरेडी पता है, तो मैं इसे निकाल देता हूँ और आपको दिखाता हूँ HDD LED। सो ऐसे चार पिन रहती है, देखिए पावर SW, देन पावर LED, देन उसके बाद रिसेट SW, और उसके बाद HDD LED। ये चारों पिन फ्रंट पैनल में लगती है, और ये फ्रंट पैनल इस तरह से यहाँ पे कलर में दिया है। लेकिन मेरे केस में, मेरे मदरबोर्ड में ये इस तरह से कलर में है, ज़रूरी नहीं कि आपके मदरबोर्ड में भी ऐसा फ्रंट पैनल कलर में हो, तो आपको उसे आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली, या यहाँ पे आप नोटिस करोगे मदरबोर्ड के ऊपर, तो यहाँ पे फ्रंट पैनल ऐप पैनल करके नाम दिया रहता है, ऐप पैनल, हर एक मदरबोर्ड में यहाँ पे ऐप पैनल नाम है, हर एक मदरबोर्ड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐप पैनल करके नाम रहता है, ऐप पैनल, आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे ऐप पैनल है, मतलब उस फ्रंट पैनल के इधर लिखा रहता है। अब मैं स्विच लगा, मतलब यहाँ पे पिन वापस लगा देता हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसे लगाना है इसको, क्योंकि हमने अटैच करना, हमने डी अटैच करना तो जान लिया, लेकिन अटैच करना भी जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुरंत मैं बता देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले मैं लगा देता हूँ HDD LED, जो हमने निकाला था HDD LED यहाँ पे दिख रहा है, और ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। अब मैंने इसे ऐसा लगाया HDD LED, तो मैंने यहाँ पे देखिए वाइट जो वायर है वो अंदर की तरफ रखी है, ज़्यादातर आप वाइट वायर अंदर की तरफ रखिए, जो वाइट वायर रहेगी आपके इसमें HDD LED केस में, क्योंकि आप देखोगे तो वैसे HDD LED में यहाँ पे आपको प्लस माइनस दिखाई दे रहा है, और उसके हिसाब से वाइट ये अंदर होना चाहिए प्लस माइनस में, राइट। तो
तो उसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं कि मैं रीसेट लगाना चाहता हूँ, तो रीसेट SW ये भी मेरा क्या कैसा रहेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। रीसेट SW में भी वाइट अंदर रहेगा और मैं इस तरह से लगा देता हूँ। लेकिन ये पिन जो है रीसेट SW आपने उल्टा भी लगा दिया ना तो कोई इशू नहीं होता है, मैंने खुद नोटिस किया है। आपने ऐसा उल्टा भी लगा दिया तो भी चलेगा, ऐसा लगा दिया व्हाइट अंदर रहेगा तो भी चलेगा, या ब्लैक अंदर रहेगा तो भी, रीसेट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन HDD में प्लस माइनस लिखा रहता है HDD LED में, तो आप ऐसे लगाओ जैसे मैंने बताया है। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है ये एक प्लस माइनस ही है, इसमें भी आपको व्हाइट केबल अंदर रखना है और इसे लगा देना है, यानी कि HDD LED जो है HDD LED प्लस माइनस इस तरह से, तो व्हाइट केबल अंदर की तरफ रहेगी इसमें भी और रेड केबल बाहर की तरफ। तो मैं इसे अटैच करके डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ, मैं इसे प्रॉपरली पकड़ता हूँ और दोनों को एक साथ लगा देता हूँ। कभी कभी ये दोनों अलग अलग होते हैं, कभी कभी ये ज्वाइंट भी होते हैं, तो आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अलग अलग होंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा एक साथ पकड़ने में उनको प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने उसे लगा दिया HDD LED को, और पावर SW को आपने उल्टा भी लगा दिया, सीधा भी लगा दिया तो भी चलेगा। फिलहाल पावर SW नाम बाहर रहे इस डायरेक्शन में मैं लगा रहा हूँ, तो दोनों साइड से नाम जो है बाहर रहे, इस साइड से मैंने ऐसा लगा दिया इसको। और ज़्यादातर आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है कि ये चारों जो पिन है उसमें एक उसके बाजू के एक पिन खाली रहती है हमेशा, और जो बाजू की पिन खाली रहती है उस साइड का रहता है रीसेट SW बटन। यहाँ पे एक एक पिन दिखाई दे रही है, यहाँ पे पिन है एक्स्ट्रा और जो मैंने खाली छोड़ दिए, तो उस पिन में के साइड में रहता है रीसेट SW, और एक एम्प्टी पिन है या पिन ही नहीं उसकी जगह, निडल से नहीं वहाँ पे, तो वहाँ पे रहता है पावर SW जो कि यहाँ पे इस साइड में लगाया गया। तो इस तरह से फ्रंट पैनल लगाना रहता है, ये बड़ी दिक्कत रहती है बहुत सारे लोगों की कि फ्रंट पैनल मैंने निकाल लिया अब कैसे लगाएं। तो मैंने तो कोशिश की यहाँ पे समझाने की, एक इमेज में यहाँ पे दिखा रहा हूँ फ्रंट पैनल की CPU की जो आपके स्क्रीन पे ऊपर दिखाई दे रही है अभी, और इस इमेज को देखकर आप समझ सकते हैं कि फ्रंट पैनल का कनेक्शन कैसे रहता है। जनरली फ्रंट पैनल आपको जब निकाल रहे हो मदरबोर्ड या डी अटैच करो तभी ध्यान से देखना है कि कैसे लगाया गया है उसके बाद, या फिर आप रिकॉर्डिंग करके रखो आपके कैमरा में और दोबारा लगाते समय उसे फिर से ये करो, मतलब नोटिस करो, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा सा कंफ्यूजन तो बढ़ ही जाता है केबल का, और आप केबल से इतना फैमिलियर नहीं रहोगे, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट से इतना फैमिलियर नहीं रहोगे, तो ये प्रॉब्लम्स होती रहती है आपके साथ। मैंने नोटिस की बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कहाँ से कौन सी केबल निकाली, इसलिए अच्छा है कि शूट कर लो ना, आपके पास मोबाइल रहेगा तो। और फिलहाल यहाँ पे देखिए इस केबल को मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पे इस तरफ अभी ये जो केबल मैं निकाल रहा हूँ ये है USB हमारा, ये फ्रंट USB है, आगे की तरफ जो हम पेन ड्राइव वगैरह लगाते हैं ना उसके लिए फ्रंट USB है। फ्रंट USB में एक नोटिस करना है कि इसमें 9 पिन आपको दिखाई देगी, वैसे 80 केबल्स रहते हैं लेकिन 9 पिन इसलिए रहता है क्योंकि यहाँ पे 9 होल इसलिए रहते हैं क्योंकि यहाँ पे अटैच करते समय आपसे गलती से एक पिन है ना एक्स्ट्रा, मतलब उल्टा ना लगे इसलिए, तो 10 नंबर की पिन यहाँ पे है ही नहीं, 9 पिन 9 होल्स है इसमें, और इसमें भी 9 पिन दिखाई देगी लेकिन इसमें 8 पिन ही एक्टिव रहती है, 8 पिन से ही डेटा ट्रांसफर होता है। इधर देखो आप, इसमें 2 केबल तो है ही नहीं इसके अंदर, राइट। तो ये बस आपको अटैच करते समय गलती ना हो आपसे इसीलिए दिया गया है क्योंकि आप उल्टा ना लगाए। तो जिस साइड में आपको दिख रहा है कि पिन ही नहीं है उस साइड में यहाँ पे देखना है, इसमें USB में इधर निडल नहीं है, इस साइड में भी इधर ये नहीं है, तो प्रॉपरली उसे वैसे लगा देना है। यहाँ पे मैंने लगा दिया, ये फ्रंट USB है और उसी के बाजू में आपको मिल रहा है दूसरा USB, फ्रंट USB 2, USB 1 व USB 2 ऐसा रहता है। उसके साथ में ये फ्रंट ऑडियो है जो कि ऑलरेडी निकाला गया है, पहले से निकाला था, फ्रंट ऑडियो दिख रहा है, ये फ्रंट ऑडियो में 9th नंबर की पिन एम्प्टी है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 9th नंबर की पिन नहीं है। USB और ऑडियो में ये फ़र्क रहता है, फ्रंट ऑडियो आप तुरंत ध्यान से देख सकते हैं, फ्रंट ऑडियो में 9th नंबर की पिन नहीं है और USB में जो है 10th नंबर की पिन यहाँ पे नहीं रहती है। तो यहाँ पे फ्रंट ऑडियो लगाया कहाँ पे जाता है मैं आपको दिखाता हूँ, ये फ्रंट ऑडियो यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे देखिए ये 9th नंबर की पिन इस निडल में, 9th नंबर की निडल इसमें मिस है, तो इसको मैं ऐसा लूँगा और यहाँ पे मैं ऐसे लगा दूँगा फ्रंट ऑडियो को, राइट। इस तरह से ये फ्रंट ऑडियो लगा देते हैं। तो मदरबोर्ड के बाद, मतलब मदरबोर्ड के सारे पार्ट्स को मैंने बता दिया कि कैसे इसके ऊपर पिन अटैच करते नहीं करते, और यहाँ पे ये पिन लगा देते हैं, ये CPU फैन है, ये CPU का फैन उसकी वजह से चलेगा दोस्तों, यहाँ पे इसको लगा देना है। अब यहाँ पे आपको ये समझ में आया कि CPU का फैन कैसे लगाना है, RAM कैसे निकालना है लगाना है, एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए RAM का ये लॉक है, इसको ऐसा प्रेस कर देना है, ये भी प्रेस कर देना है और ये खुल गया, वाओ इंटरेस्टिंग। इसको आपको क्लीन करना रहेगा, लेकिन क्लीन करने के लिए आप इरेजर जो रहते हैं ना स्कूल में यूज़ करते हो, वो इरेजर लीजिए और इसके ऊपर रब कीजिए, ये जो गोल्डन पॉइंट्स है अगर इसमें कुछ डस्ट है तो उसे क्लीन करने के लिए आप इरेजर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, इरेजर यूज़ करना है। ये रैम कैसा रहता है क्या रहता है यहाँ पे देखिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे रहा है लेबल में DDR3 रैम है ये और 2 GB रैम है, राइट। DDR3 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, 2 GB रैम, राइट। यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ कि रैम के बारे में मैं डिटेल में आपको आगे बताऊंगा
कि रैम कैसे काम करता है, रैम कौन सा लगाना चाहिए, आपके पीसी में कौन सा रैम यूज़फुल रहेगा, या फिर आप रैम अपग्रेड करना चाहते हो तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, सारी चीज़ें होंगी दोस्तों। फिलहाल तो रैम को लगा देते हैं। यहाँ पे ये नॉच जो दिख रहा है ना, खांचा, ये खांचे ऐसे लेकर ये खांचा यहाँ पे देखना है, यहाँ पे भी तो वो बराबर खांचे में जाना चाहिए। उल्टा रैम लगाएंगे ना ऐसे कभी नहीं बैठेगा दोस्तों, ऐसा लगाएंगे तो कितना भी ज़बरदस्ती करो नहीं लगेगा, टूट जाएगा वहाँ पे। ज़बरदस्ती करेंगे तो ज़बरदस्ती नहीं करना है, नहीं लग रहा है तो उसे देखना है कि उल्टी तरफ यहाँ पे नॉच नॉच पे नॉच है ना आना चाहिए, जो है वहाँ पे राइट बैठ जाएगा। यहाँ पे मैंने इसे लगा दिया और मैं इसे प्रेस करूँगा, ये लॉक व्हाइट वाला ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। इधर का व्हाइट लॉक देखिए, मैं प्रेस करता हूँ बंद। ऐसे आपके पास दो रैम है तो दोनों भी लगा देना है यहाँ पे। चलो ठीक है, मैंने इसमें बता दिया कि रैम कैसे लगाना है। अभी हम दोबारा पावर लगा देते हैं, ये वाला पावर लगा देते हैं, ATX पावर कनेक्टर, सॉरी इस तरफ इसका लॉक है, ऐसा लगाना है। मैं उल्टा लगा रहा था वहाँ पे, नहीं लगेगा वो। उसके बाद मुझे लगाना है यहाँ पे ये वाला पावर, कौन सा पावर है यहाँ पे, सॉरी 12 वोल्ट पावर कनेक्टर, ये हम लगा देते हैं। चलिए इसे इसे देखिए, ये लॉक है, इसे लगाते समय लॉक प्रेस करने की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, निकालते समय लॉक प्रेस करना है, लग गया। कभी कभी ये लॉक बहुत तंग करता है निकालते समय, बहुत पैक रहता है, मैंने बहुत सारे मदरबोर्ड में देखा है बहुत पैक रहता है वो। चलो ठीक है, वो तो देख लिया हमने कैसे लगाना है। साटा केबल कैसे लगानी वो मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं लगता है मुझे अभी। साटा केबल कैसे लगानी एकदम सिंपल है, मैंने कैसे निकालना है वो बताया, तो लगानी कैसे एकदम सिंपल है। हाँ वो बता देता हूँ कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साटा केबल में एक खांचा रहता है इस तरह का, येल एंगल जैसा खांचा है, तो ये खांचा जैसा है वहाँ पे है, इसमें इसमें वैसे लगा देना है मदरबोर्ड के ऊपर, उल्टा लगाने से वो लगने वाला नहीं है। तो देखिए मैं इस तरफ रख रहा हूँ, लगा रहा हूँ, ये लग गया। वैसे ही और एक साटा केबल है मेरा जो कि डीवीडी राइटर का है, एक हार्ड डिस्क का, एक डीवीडी राइटर का, दो। मैं कोई भी साटा में, कोई भी मतलब कोई भी साटा पोर्ट में ये साटा केबल लगाए तो भी चलेगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आप ये में लगाओ वो में लगाओ, कोई भी लग, कोई ज़रूरी नहीं कि इसमें एक पर्टिकुलर में लगाएं, आप किसी में भी लगा सकते हैं। और फिर यहाँ पे हार्ड डिस्क में इस तरह से ये देखिए, ये यहाँ पे भी खांचा है प्रॉपरली, खांचे से लेकर खांचा ये करना है, मिला देना है और इसे पैक कर देना है। और इसके लिए एक साटा पावर केबल भी लगेगा, और साटा पावर केबल भी इसमें भी वैसे ही रहता है, एक एक तरफ से एक ध्यान से देखेंगे तो खांचा रहता है, ज़रा ध्यान से देखा करिए। और फिर उसे यहाँ पर पावर केबल को लगा देना है, साटा पावर केबल है साटा हार्ड डिस्क के लिए, और ये इसी तरह से लगा दिया। अब हार्ड डिस्क को आपको स्क्रू लगा के फिट कर देना है बस। मदरबोर्ड को खोल के मैंने नहीं बताया, मदरबोर्ड को खोल के उसका काम क्या होता है, अंदर कौन कौन से फंक्शंस रहते हैं, एक बार फिर एक्सप्लेन करेंगे आगे के पार्ट में। आज के पार्ट में इतना ही, बस मैंने बताया कि कैसे हम अपने कंप्यूटर को डी अटैच कर सकते हैं, सारे पावर निकाल के, सारी चीज़ें निकाल के फिर से कैसे लगा सकते हैं। तो डेफिनेटली आज का ये टॉपिक आपको समझा होगा दोस्तों, कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर के पार्ट्स को कैसे हम निकाल सकते हैं, मतलब डी अटैच कैसे करना है, अटैच कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली समझी होगी। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, हार्डवेयर की सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी अगर आपके लाइक्स ज़्यादा आएंगे तो, लाइक्स और कमेंट भी कीजिएगा कि आपको कैसा लगा वीडियो। मैं आपको कोशिश करूँगा कि और डिटेल में हार्डवेयर पढ़ाऊँ, सारी चीज़ें आने वाली, मैंने आपको बोला हार्डवेयर से रिलेटेड जितनी बुझी आती है उतनी मैं यहाँ पे बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा आपके साथ दोस्तों। और मेरे लर्न मोर चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिएगा, वहाँ पे आने वाला है टैली टिप्स का एक अमेजिंग वीडियो, साथ में पावर पॉइंट की सीरीज़ और एक्सेल की सीरीज़ के भी वीडियोज़ मैंने डाल दिए है, मतलब एक्सेल के एक बिगिनर्स टू एडवांस वीडियो है और पावर पॉइंट का एक एक्सपर्ट लेवल का वीडियो, वो ज़रूर आपको देखना चाहिए। ढेर सारे वीडियोज़ लर्न मोर चैनल पर है। और अगर आप कंटिन्यूअस टैली सीखना चाहते हो, मतलब सिक्वेंशियल टैली सीखना चाहते हो, तो टैली के ट्यूटोरियल्स के लिए मैंने रियल ट्यूटोरियल चैनल ओपन किया है, वो भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। टैली के ट्यूटोरियल भी वहाँ पे है, फोटोशॉप के भी है और कोरल ड्रॉ के भी आने वाले हैं, ढेर सारे ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे। कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पर बने रहिएगा, मिलता हूँ अगले कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए लेता हूँ आपसे अलविदा दोस्तों, और हमेशा की तरह यही कहूँगा, सीखते रहो सिखाते रहो और बाय बाय।